केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार क्या चुनौती ज़्यादा लग रही है कांग्रेस ने कहने के किसानों का मुद्दा जो है उसको काफ़ी गर्मा दिया है? देखिए, चुनाव हमेशा चुनौती होता है और इस चुनौती को हम लोग 2003 में भी स्वीकार किए थे, 8 में भी स्वीकार किए, 13 में भी स्वीकार किए और 18 में भी स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर राजनीति करने वाला दल है, कांग्रेस झूठ के आधार पर राजनीति करने वाला दल है। अगर कांग्रेस में हिम्मत है तो 2003 से पहले उनकी सरकार 10 साल तक की उपलब्धियों पर बहस करे और 2014 से पहले 10 साल तक यूपी के गवर्नमेंट सेंटर में थी, उसमें उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? जब उन्होंने अपने समय में कुछ किया हो तो आने वाले कल में वो कर देंगे। और पहले भी झूठ बोलते रहे, मध्य प्रदेश की जनता ने उनको सजा दी, अब भी झूठ के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जब चुनाव आएगा तो मध्य प्रदेश की जनता उनको सबक सिखाएगी। कर्जा माफी की एक बड़ी मांग की है कांग्रेस ने और इसको लेकर बड़ा उन्होंने आंदोलन भी छेड़ रखा है। देखिए, कांग्रेस सिर्फ लोगों को स्वप्न दिखाने का काम करती है। इंदिरा गांधी ने कहा मैं गरीबी हटा दूंगी, गरीबी हटी क्या? राजीव गांधी ने कहा मैं हर घर के एक व्यक्ति को रोजगार दे दूंगा, तो दिया क्या? आज वो कह रहे हैं कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, तो कर्ज माफ़ पहले किए गया, तो आज जनता कैसे विश्वास करेगी? आप बड़े रणनीतिकार हैं, आपको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, विधायकों को किस तरह के अब निर्देश देने, क्योंकि ये भी माना जा रहा है काफ़ी विधायकों के भी टिकट भी कटेंगे। मध्य प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, उसका अपना सिद्धांत है, उसका अपना संविधान है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जब चुनाव आएगा चुनाव समिति विचार करेगी और विचार करके जो निर्णय करेगी उसको सब स्वीकार कर। एक सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ आखिरी, क्योंकि दल बदलू काफ़ी यहाँ हो रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, बीजेपी से कांग्रेस में लोग जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं असंतोष का विषय हो सकता है जब टिकट काटे जाएंगे, उसके लिए तैयारी क्या पार्टी? कौन जा रहा है बीजेपी से? कोई नहीं जा रहा है। नरेंद्र मरावी जी गए हैं। नरेंद्र मरावी जी कौन है? पहले थोड़ा शहडोल में जाके पता करो कौन से नरेंद्र मरावी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्त यहाँ पर करा रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर की पार्टी में सब कुछ सही है और बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से ही चलेगी। कांग्रेस जरूर यहाँ पर आरोप लगा रही है और कर्जा माफी का मुद्दा उठा रही है, लेकिन जैसे हमने बातचीत की तो साफ तौर पर बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से आश्वस्त है कि किसान अभी भी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेगा। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।